गुगु बज रहा है। तो ये भी दूध पी रहे हैं माशाल्लाह से, और ये भी पिएगी दूध। हाँ, खोल के वो कहता खीर पी दी खीर। सुबाना फिर सो गई हो, क्या वजह है? हाँ नहीं सो नहीं गई, पता है मैं उठ के बाहर गई हूँ तो ये उस्मान और उमर दोनों की नींद खुल गई है। तो मैंने कहा कि उस्मान कहते ये देखिए मेरे साथ सो, फिर मैंने कहा चलो उस्मान को सुला के फिर चली जाती हूँ बाहर, क्योंकि अभी टाइम काफ़ी सारा पड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी हैं खैरियत से होंगे, अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। तो माशाल्लाह से आज ना माह रमजान का पहला रोज़ा हम रखेंगे, माशाल्लाह आ रहे हैं। तो मैं बाहर गई थी लस्सी बनाने के लिए, लेकिन उस्मान उठ गया तो मैंने कहा चलो अभी ना उस्मान को सुला देते हैं, ये सो जाए, क्योंकि मैं उठूँ ना तो ये भी उठ जाता है। ये देखिए ऐसे हाँ रोज़ा रखोगे? उम्र भी उठ गया है, उम्र भी उठ गया है। उम्र सलाम करो, रोजा रखना है। रोजा आज मैं रखे। इन दोनों को रोजा रखवा देते हैं, ठीक है? ऐसे सुमा है, नींद नहीं आती, नींद कर जा। चलो फिर सारी बनाओ, देर हो जाएगी। चलो मैं चलती हूँ फिर आप। तो वो ये रखी है, हाँ जूती 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 क्या पहनी, जूती क्यों पहनी है उस्मान की, जूती क्यों पहनी है? तो उमर कहता कि मैंने भी साथ जाना है और उस्मान भी। चलो ये अब नहीं सो रहा है। हाँ अब भी इतनी खुल गई है, अब ये नहीं सो रही है। चलो पहनो जूते, पहनो जूती पाओ, जूती जूती पाओ, जूती पाओ, जूती के बगैर टूटना ना थी आसान। हाँ जूती के बगैर तो उस्मान ने मैं टूटना तो लेते। चलो चाओ। चलो जी मुर्गी जी देखें जी इधर बैठ गई है। ये है गर्म पानी जो मधाड़ी होती है ना, इसमें धो लेते हैं। दाढ़ी को धो कर रख दिया है, सुबह भी मक्खन निकालना है ना। ये जी मक्खन और लस्सी है। माशाल्लाह से देसी मक्खन और देसी लस्सी। सैरी इससे ही करेंगे। तो ना अभी हम कर रहे तंदूरी गरम, तो माशाल्लाह से तंदूरी गरम होने वाली है। तो आटा भी हमने गूंद लिया है माशाल्लाह से, तो अभी रोटियां बनाते हैं। और उमर भी साथ आ गया है मेरे साथ, ये देख बैठा हुआ है। उस्मान जाकर फिर सो गया, लेकिन वो सोया नहीं, सोया नहीं, नहीं नहीं वो वैसे अंदर रजाई में सोए हुए। सर्दी लगती है ना बाहर, थोड़ी ठंड है ना। हाँ ठंड हल्की हल्की ठंड भी है जी। माशाल्लाह से अभी रोटियां बना रही है, बना भी लिया रोटी। हाँ बस ये आखिरी रोटी है। अच्छा जी साथ जो हमसाया ना वो आ गए थे, मैं उधर चला गया था, वो कहता है कि मैंने दही लेनी है। मैंने कहा चलो ठीक।
स्वेटर मैंने बना लिए। मरी रोटी पकी खड़ी तेन पकी खड़ी हाले कच्ची है। चल पकड़ लिया इसके काम चेक करें जी, ये ना वो चटनी बना रही है। हाँ जी मैं चटनी बना रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज दही में डालूं क्योंकि और कोई नहीं खाएगा, मैं खाऊंगी थोड़ी सी, मैं भी खा लूंगा। चलो आप ही खा लेना, थोड़ा काफी है। काफी है बस। दही हो गई हमारी तैयार। हाँ। ठीक है, अभी एक घंटा रहता है सहरी में से। ये भी हाँ हाथ से रोटी चाहिए सभी चार रख दे रोटी मक्खन खासी दे। चटनी शौक ना खाते। हाँ, चलो अगे नो जी। माशाल्लाह से अभी चाय भी बन रही है। ठीक है, माशाल्लाह से हम खाना भी खा रहे हैं। ये देखिए चटनी और मक्खन और साथ में थोड़ा सा रात वाला सलाद भी पड़ा हुआ था, चिकन और आलू ब्रेड। अच्छा जी, उमर खा रहा है ना, इसको ना रोजा रखवाएंगे। ठीक है ऐसा हाँ। उस्मान तो गया भाग, उसको हमने कहा आपको रोजा रखवाते हैं, उसको वो कहता कि नहीं मैंने जाकर सोना है हाँ वो जाके सो गया। अच्छा अभी ना खाना खाते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। और माशाल्लाह से चाय भी तैयार होने वाली है। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। अच्छा जी, आज सबको रोजा होगा। ठीक है, और आप सब बहन भाइयों को भी हमारी तरफ से रमजान शरीफ मुबारक हो। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे और लंबी जिंदगी दे, तफीक भी दे और रोज़ा खुलवाने की भी तफीक दे, क्योंकि रोज़ा खुलवाना भी बहुत सवाब का काम होता है जिसको। और आप के कारोबार में अल्लाह पाक बरकत डाले और नमाज पढ़ने की तफीक अता फरमाए सबको। आमीन। सबको खुशियाँ नसीब करे। कोई समान किड्डे दे, कोई समान किड्डे दे तुमने बकरे आज नहीं बांधी, बकरियां खड़ी हुई अंदर। वो भी अभी बांधते हैं। बस बस कमरों में मैंने किसी से झाड़ू लगा लिया है। पुराने में भी इधर से बस शहर में रहते थे, झाड़ू लगा लेते। रात को वैसे भी देर से बांधा था, 9 बजे बारिश आई है फिर बांधा है। तो भाई उधर कहीं काम पानी लगाने के लिए चला गया था, सारे पानी लगाए तो शाम को आए तो खाना खा के फिर इसको नींद आ गई। तो इसने कहा कि मुझे उठा देना 10-11 बजे। जब उमर के बू आए तो उसने बकरे बांध दिए। इसने नहीं बांधी थी बांधने? मैंने नहीं बांधी क्योंकि मैं सुबह मैं बांधती हूँ, शाम को ये बांधते हाँ। वैसे सुबह भी अब देर हो गई है बकरे निकालने में।
सुबह ना मैं नमाज पढ़ के सो गई थी तो फिर मुझे नींद आ गई थी, तो फिर देख उठे क्या है खांसी आ गई। उसको भी खोलो अब बड़ी हो गई माशाल्लाह, वो उसको बांध के खड़ा देते हैं, इधर जगह नहीं है। तो ये भी दूध पी रहे हैं माशाल्लाह से, और ये भी पिएगी दूध, ये पीने नहीं देती, इसको पकड़ कर फिर पिएगी। उस्मान दो तीन बार दिन में इसको दूध पिलाता है भेड़ को। हाँ खोल के वो कहता खीर पी दिए खीर सही इन्होंने पी लिया है, बड़े बड़े हो गए माशाल्लाह से, बकरी के बच्चे भी और भेड़ का भी, छोटे छोटे होते थे। ओ उस्मान आ गए, उस्मान किधर गया ही? जुत्ती तो एक और बात भी करना चाहूंगी, क्योंकि जो हमारे मामू असगर है, मेरी जो चाची जान है, उसके बिनोई है, तो उसकी हाँ जो है अम्मी की कल वफात पा रही है, तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में आला से आला मकान दे, और उसकी मकसद के लिए अब सब बहन भाइयों ने दुआ करनी है, हाँ, कि अल्लाह पाक उसको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए, और हाँ, उसकी फैमिली को, मामे असगर की फैमिली को सब्र दे। हाँ हाँ, तो कल इसलिए हमने वीडियो भी नहीं बनाई, तो कल साहब उधर ही गए हुए थे, तो आज हमने कहा चलो वैसे सारी के टाइम उठे तो रोजे भी रख रहे, तो आज वीडियो बना कर मैं फैन पे को शेयर कर दे और बता भी दे, बता भी दे। माशाल्लाह से देखिए कि चाची मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से सफाई कर ली है, तो बाहर भी माशाल्लाह से मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिए, थोड़ी सी जगह बताती है तो दस झाड़ू लगा देते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की रूटीन आपको पसंद आई होगी, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।